आदरणीय डॉक्टर एस एल सोनवानी सर, प्राचार्य, आदरणीय डॉक्टर मनोहर लाल पटेल सर, प्राध्यापक एवं नोडल अधिकारी, सम्माननीय शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे बच्चों, 2014 में, सन 2014 की बात है, संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की मीटिंग थी। उसमें हमारे देश से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत का। अपने भाषण में, अपनी स्पीच में मोदी जी ने एक सुझाव रखा था कि क्यों ना भारत की प्राचीन विद्या, जिसे हम योग के नाम से जानते हैं, उसे पूरे विश्व पटल पर रखा जाए। और ये तभी होगा जब संयुक्त राष्ट्र इसको मान्यता दे। उनके इस सुझाव पर विचार विमर्श किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और फिर एक दिन तय की गई, 21 जून। और पहली बार 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस मनाया गया। हमारे मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि 21 जून की तिथि ही क्यों निर्धारित की गई। भूगोल कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, उसमें 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। दिन मतलब उजाला, रात मतलब अंधेरा। हमारा जीवन भी उजाले और अंधेरे का मिश्रण है, पर हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में उजाला अधिक रहे, अंधेरा कम आए। और इस भावना के आधार पर बहुत एक कमेटी बनी थी जिसने 21 जून के दिन को प्रस्तावित किया था और यूएन में उसको मान लिया। और तब से 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। 2015 के बाद से आज तक योग के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि बच्चा बच्चा योग से परिचित है। यह शब्द अब अनजाना नहीं रहा किसी के लिए भी। एक समय ऐसा था जब हमारे देश की ही विद्या सुषुप्त अवस्था में थी और लोग ऐसा समझते थे, एक सामान्य धारणा यह थी कि योग बड़े बूढ़ों के लिए और सन्यासियों के लिए और ऋषियों मुनियों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। पर ये धारणा बदल गई है और अब हम सब जानते हैं कि योग जन साधारण के लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सबके लिए है। तो जब मैंने सोचा कि योग दिवस पर आप सबों को संबोधित करूं, तो सबसे पहला जो परेशानी या प्रश्न मेरे मन में आया कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि सब तो सब चीज को जानते हैं और उन्हीं चीजों को रिपीट करना एक बोरिंग भी हो सकता है। इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उन यौगिक क्रियाओं के बारे में बताऊं जिनका अभ्यास मैं स्वयं से करता हूं। इसलिए आज का जो यह टॉपिक है उसको मैंने सिलेक्ट किया, यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर की आंतरिक सफाई। इसके पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं डॉक्टर अभय पांडे सर, जो डिग्री कॉलेज रायगढ़ में प्रोफेसर थे जब मैंने वहां ज्वाइन किया था, तो वो मेरे सीनियर रहे हैं और उन्हीं के सानिध्य में मैंने इन क्रियाओं को सीखा, लाभ प्राप्त किया, जिसको आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर अभय पांडे ने बिहार योग भारती मुंगेर से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उन्होंने डिग्री कॉलेज रायगढ़ के कई सारे शिक्षकों को सिखाया था। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बिहार योग भारती मुंगेर के बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि आज जितनी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे वो सब इसी से प्रेरित है। बिहार योग भारती मुंगेर को इस बात का गौरव प्राप्त है
कि वह विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। 1963 में परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी द्वारा बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना की गई। 1994 में विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय, जिसे हम बिहार योग भारती मुंगेर के नाम से जानते हैं, परमहंस निरंजनानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित की गई। मैं थोड़ी सी जानकारी बहुत संक्षेप में निरंजनानंद सरस्वती जी के बारे में देता हूँ। मुझे और आप सबको प्रसन्नता होगी यह जानकर कि परमहंस निरंजनानंद सरस्वती का जन्म राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 1960 में हुआ। मात्र 4 वर्ष की अवस्था में 1964 में उनके माता पिता ने उन्हें बिहार योग विद्यालय मुंगेर में प्रवेश दिलाया और आज वो उस विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा है, उस पूरे सिस्टम के सर्वे सर्वा है। न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरा जो उनका कैंपस है वो उन्हीं के अधीन में है, उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें योग शब्द का उच्चारण ठीक से करना चाहिए। न जाने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हमने अपने शब्दों को क्यों बिगाड़ दिया है। हम राम को रामा कहते हैं, रामायण को रामायणा कहते हैं, महाभारत को महाभारता कहते हैं, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं और इसी क्रम में योग को हम योगा कहते हैं। शब्दों के अपने मायने होते हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। योग का अर्थ जुड़ना या यूनियन है और ये एक बहुत बृहद शब्द है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। पर योगा एक अर्थवान शब्द है, पर योग एक अर्थवान शब्द है, पर योगा एक अर्थहीन शब्द है। योगा का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमें उच्चारण को ठीक करना चाहिए। आप इस बात को महसूस कीजिए कि आपके नाम को अगर कोई गलत तरीके से उच्चारण करेगा तो आपको कैसे लगेगा। जैसे मेरा नाम सरोज है तो अंग्रेजी में उसको सरोजा थोड़ी बोलेंगे, नाम बदलता नहीं है, इसलिए योग को योग कहें। दो चार लाइन में मैं योग का संक्षिप्त इतिहास बताता हूं। योग के बारे में हमारे देश के लोग वैदिक काल से भी पहले से परिचित थे, लगभग 5000 वर्ष पहले से। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है लिखित रूप में, उसके पहले तक ये ट्रेडिशनल में ओरल तरीके से आता था। शारीरिक और मानसिक रूप से निरोग रहने तथा आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। योग के 3 उद्देश्य हैं, शरीर, मन और अध्यात्म। और फिर इस बात को भी हम महसूस करें कि ये कितनी पुरानी प्राचीन ज्ञान हमारे देश की है, जिसे आज पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसको कर रहा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है मुश्किल से 200-250 साल पुराना है, मुश्किल से आप मैक्सिमम भी ले जाएंगे तो 300 वर्ष पुराना है, जबकि हमारा यह योग का ज्ञान लगभग 5000 वर्ष पुराना है। अब हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं, शरीर का शुद्धिकरण। हम जानते हैं कि शरीर हमारे बाह्य शरीर है और आंतरिक शरीर है। सामान्यतः आंतरिक शुद्धिकरण हेतु हम शौच, मूत्र त्याग तथा बाह्य शुद्धिकरण हेतु दातुन एवं स्नान करते हैं। हम जो सुबह उठते हैं उसके बाद इन सारी क्रियाओं को करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा शरीर शुद्ध हो गया, साफ हो गया, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमारे शरीर के अंदर भोजन, प्रदूषित हवा एवं जल से टॉक्सिक तत्व जमा होते रहते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। यौगिक क्रियाओं द्वारा हम इनको शरीर से बाहर कर सकते हैं, जो सामान्य रूप से बाहर नहीं हो पाते हैं, एवं निरोग रह सकते हैं। आंतरिक शुद्धिकरण हेतु अनेक यौगिक क्रियाएं हैं, जिनमें से आज हम उन 4 क्रियाओं की चर्चा करेंगे जो व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं करता रहता हूं। वो 4 क्रियाएं हैं, कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया, जल नेति एवं शंख प्रक्षालन। आप इन 4ों के रिप्रेजेंटेशन इन 4 फिगर में देख सकते हैं। ये कुंजल क्रिया है, ये व्याघ्र क्रिया है, ये नेति का एक फोटो है
और यह शंख प्रक्षालन के लिए है। हम इन्हीं चारों पर डिस्कस करेंगे। कुंजल क्रिया एवं व्याघ्र क्रिया के बारे में पहले चर्चा करते हैं। और इस चर्चा से पहले मैं एक बात बता दूं कि इन क्रियाओं की चर्चा के लिए मैंने जो स्लाइड बनाया है, जो स्लाइड मैंने बनाया है, जैसे ये कुंजल क्रिया के स्लाइड बनाया है, ये अत्यंत संक्षिप्त है, ये बहुत ही छोटा है। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने अगले स्लाइड्स में कुछ लिटरेचर को मैंने डाल दिया है आपके पढ़ने के लिए। उसको डिटेल चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, पर उन लिटरेचर को मैंने प्रोवाइड कराया है और वो लिटरेचर लिया गया है जिस विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा था उसके जो संस्थापक थे सत्यानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। इस ये एक ऑथेंटिक पुस्तक है और जहां भी योग के बारे में पढ़ाई होती है वहां ये पुस्तक पहले रिफरेंस पर आता है। उसी पुस्तक के कुछ पन्नों को मैंने कॉपी करके आपके रिफरेंस आपके पढ़ने के लिए डाल दिया है, आप उसको पढ़ना। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं और कई बार कहूंगा कि जिन यौगिक क्रियाओं की चर्चा मैं कर रहा हूं उसको आप अपने से नहीं करेंगे, बिना सीखे इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हानि होने की भी संभावना होती है अगर हमने गलत कर दिया तो या असावधानी पूर्वक कुछ भी कर दिया तो। ये सब गंभीर प्रक्रियाएं हैं और बिना योग्य योग शिक्षक के सीखे उसको मत कीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग कुंजल क्रिया को देखते हैं। कुंजल क्रिया में क्या करते हैं कि 6 से 8 ग्लास कुनकुना नमकीन पानी पीते हैं और फिर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों की मदद से मुंह में उंगली डाल करके पूरे पानी को वमन करके निकाल देते हैं, उल्टी करके निकाल देते हैं। यह क्रिया खाली पेट की जाती है। क्रिया के पश्चात लगभग आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। योग्य योग शिक्षक अगर किसी का माइक म्यूट नहीं है तो उसको म्यूट कर लो। अश्वनी गुप्ता माइक को म्यूट करो। अश्वनी गुप्ता माइक म्यूट करो नहीं तो रिमूव कर दूंगा। यह जो कुंजल क्रिया है वो पेट की वायु, अम्लीयता, बलगम, खांसी एवं श्वसन की परेशानियों में बहुत लाभकारी है। अश्वनी मैं तुमको रिमूव कर रहा हूं। अब यहां पर मैं 2 प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला, हम लोग पानी को गर्म क्यों रखते हैं? कुनकुना पानी मतलब ऐसा पानी जो ना ज्यादा ठंडा रहे ना गर्म रहे, बहुत सहने लायक गर्म पानी, तो पानी को गर्म क्यों करते हैं? और दूसरा, पानी में नमक क्यों डालते हैं? नमक हमको इतना डालना चाहिए कि आधा लीटर पानी में एक जो छोटा चाय का चम्मच होता है उसके बराबर नमक डालते हैं, तो नमक क्यों डालते हैं? इन दोनों प्रश्नों को समझने के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुंजल या जो आगे की यौगिक क्रियाएं हैं जिनकी चर्चा मैं चारों की करूंगा उसको करते क्यों हैं। जैसा हमने देखा कि इन यौगिक क्रियाओं का तात्पर्य, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अंदर में जो हमारी गंदगी है जो सामान्य तरीके से बाहर नहीं निकलती है वो बाहर निकल जाए, उसको बाहर निकालने का काम पानी करता है। तो हमने विज्ञान में पढ़ा है स्कूल में कि सामान्यतः जो विलेयता होती है वो ताप बढ़ने से बढ़ती है, ये हम लोग सब पढ़े हैं। तो गर्म पानी रहेगा तो उसमें जो शरीर की गंदगी है वो ज्यादा घुलेगा, उसको निकलने में सुविधा होगी। और नमक क्यों डालते हैं? पानी में नमक डालने से पानी का डेंसिटी बढ़ जाता है, शरीर में जो लिक्विड है उसकी तुलना में नमकीन पानी का घनत्व बढ़ जाता है और तब परासरण की क्रिया होती है। ये भी 12th में पढ़े हो और कॉलेज में भी पढ़े हो, ऑस्मोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि ताप और नमक
ये दोनों के कारण हमारे शरीर की गंदगी या टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में और सरलता से पानी के द्वारा निष्कासित हो जाते हैं। इसीलिए हमको हल्का गर्म पानी और नमकीन पानी यूज करना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं व्याघ्र क्रिया के बारे में, उसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे। कुंजल क्रिया जो की जाती है वो खाली पेट में की जाती है, पर व्याघ्र क्रिया जो की जाती है वो भरे हुए पेट में की जाती है। अब भरे हुए पेट का क्या मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग पार्टी में या घर में ही या लोभ वश या किसी कारण से जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। आयुर्वेद कहता है कि भूख से कम खाना चाहिए, हम लोग कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं और उसके कारण पेट में भारीपन होने लगता है या कभी कभी पेट में दर्द भी होने लगता है, तकलीफ होने लगती है या खट्टी डकारें आती हैं, भोजन अनपच रहता है। इस परेशानी से बचने के लिए अगर ऐसा हमने कर ही लिया है तो फिर उससे कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए एक क्रिया होती है जिसको व्याघ्र क्रिया कहते हैं। व्याघ्र शब्द आया है बाघ से। बाघ की एक विशेषता होती है कि शिकार के पश्चात वो बहुत ज्यादा खा लेता है और फिर 3-4 घंटे के बाद वो बचे हुए अनपचे भोजन को बाहर निकाल देता है अपने मुंह से। हमें इस बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि ये जो योग की जितने भी आसन चीजें सब जो या ये यौगिक क्रियाएं जो सीखे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने सीखा, वो जंगलों में रह करके जानवरों से सीखा। आप अगर लिटरेचर को देखिएगा, ओरिजिनल लिटरेचर को, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जो प्रकृति में जानवर करते हैं और हमारे पुराने लोग जो वहां रहते थे ऋषि मुनि वो उनसे सीखे थे। तो बाघ क्योंकि ऐसा करता है इसलिए इसका नाम दिया गया व्याघ्र क्रिया। भोजन के 3-4 घंटे पश्चात या ज्यादा तकलीफ है तो जल्दी भी ये प्रक्रिया की जाती है। करने की विधि बिल्कुल कुंजल जैसी ही है, उसी तरह से गर्म नमकीन पानी पीते हैं और उंगलियों की मदद से उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, तो जो अनपचा भोजन रहता है वो निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। इसको भी अपने मन से पहली बार नहीं करना चाहिए, एक बार सीख लेना चाहिए। ये लिटरेचर जिसकी चर्चा मैं कर रहा था इसमें सारा डिटेल्स हैं, कई पन्नों में है ये, इसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। इसमें सब चीज दिया हुआ है, प्रोसेस क्या है, कब करना चाहिए, सावधानी क्या है, लिमिटेशंस क्या है, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ना। जैसे लाभ में लिखा हुआ है पेट की वायु तथा अम्लीयता को रोकता है, उपचार करता है, अन्न नलिका में एकत्रित बलगम को निकालता है, कफ का जिसको प्रॉब्लम रहता है, छाती में कफ जम गया इस तरह का जो होता है उसके लिए कुंजल क्रिया बहुत ही लाभदायक है। इस तरह कास रोग, कास माने खांसी, कास रोग तथा श्वसन के अन्य दोषों को दूर करता है। जठर की दीवारों में स्नायु संकुचन के माध्यम से समस्त अंगों को प्रेरित एवं सुव्यवस्थित करता है। ये डिटेल दिया हुआ है व्याघ्र क्रिया का। मैं चाहूंगा कि आप सब इसको, मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप सब इसको पढ़ लेना। अब हम लोग एक वीडियो देखेंगे, ये वीडियो मैंने स्वयं से बनाया है। आओ अब हम आज कुंजल क्रिया को देखें और सीखें। ये देखते हैं, ये गुनगुना नमकीन गरम पानी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पानी गर्म क्यों और नमकीन क्यों। इस कुंजल क्रिया को करने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे उदर में, पेट में और आंतों में, इन चीज़ों में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे श्वसन प्रक्रिया में भी, कंठ में, गले में, फेफड़े में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो पानी के थ्रू बाहर आए। वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा है स्कूल में कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। दूसरी बात है कि हमने इसमें नमक क्यों डाला। नमक डालने से पानी का जो डेंसिटी है वो बढ़ गया है, सोल्यूशन का डेंसिटी बढ़ गया है और इससे ऑस्मोसिस की घटना होती है। सामान्य शब्दों में कहें तो नमक के कारण भी
हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और हमारे शरीर से आसानी से निकल जाता है। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसको सह सकें, ना ज़्यादा ना कम। उसी तरह से नमक भी इतना रहना चाहिए को नमकीन लगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत। सामान्यतः 6 से 8 गिलास पानी को पिया जाता है और उसको जल्दी ही पीते हैं। ऐसा नहीं कि 2 गिलास के लिए फिर 5 मिनट रेस्ट किए फिर 2 गिलास पिए, ऐसा नहीं। एक स्लॉट में ही पूरे पानी को पीना होता है और फिर उसको मुंह में उंगली डाल करके और उस पानी को निकालना होता है। उल्टी इसको जो सामान्य भाषा पानी को हिला फिर से कथा को हिलाता है चाहिए कि हमारी हाथों की उंगलियों के जो नाखून हैं वो छोटे हों, कटे हुए हों और समान हो, मतलब रुखड़े ना हों, क्योंकि हमको उसको अंदर में डालना है। हम देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि जब पानी निकलता है बाहर तो अपने साथ साथ वो बहुत सारा म्यूकस को भी ले जाता है, मतलब कि उसमें जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हुई कुंजल की क्रिया। कुंजल क्रिया से ही मिलता जुलता एक क्रिया होती है जिसको व्याघ्र क्रिया कहते हैं। व्याघ्र क्रिया में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हम लोग तब करते हैं जब किसी कारणवश हमने ज़्यादा भोजन खा लिया या पेट में कुछ अपच टाइप का लग रहा है या ऐसा लग रहा खट्टी डकारें आ रही है या भारी भारीपन लग रहा है, तो उस स्थिति में भी हम गर्म पानी पीते हैं और इसी प्रकार से उंगली की मदद से उल्टी करते हैं। तो जितने अनपच भोजन हमारे पेट में रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। कुंजल क्रिया सामान्यतः सुबह के समय में खाली पेट किया जाता है और व्याघ्र क्रिया हम सामान्यतः भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद करते हैं या अगर बिल्कुल बेचैनी लग रही है तो तुरंत भी कर सकते हैं। अभी मैं कुंजल क्रिया को कर करके दिखाऊंगा। मैं इसमें पानी को डाल रहा हूँ नाप करके। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात ग्लास मैंने पानी लिया। 6 से 8 ग्लास लेता हूँ, मैं 7 ग्लास ले रहा हूँ और अब मैं इस पानी को पीऊंगा। ये देखो मैंने 7 ग्लास पानी पी लिया। अब मैं उसको बाहर निकालूंगा।
आपको ये मेरी उंगलियों में पूरा कफ टाइप का, ये थी कुंजल क्रिया। अभी हमने देखा कि कुंजल क्रिया कैसे करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जल नीति पर। अब मैं पहले ये बता दूं कि समय एक मिनट से कम बचा है और ये बंद हो जाएगा, तो आप लोग भागना नहीं, मैं फिर से जो नया स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग जुड़ जाओगे। जल नीति के लिए एक लोटा होता है जिसको हम लोग नीति लोटा कहते हैं। इस लोटे की बनावट देखो, इसमें एक टोटी लगी हुई है और इसको हम बर्तन की दुकान से या ऑनलाइन शॉपिंग से खरीद सकते हैं। खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारा टोटी है ये बिल्कुल चिकना रहे, क्योंकि इसको नाक के अंदर में डालना रहता है। नीति का विधि को बहुत संक्षेप में मैंने ऐसे लिखा है, इसका डिटेल लिटरेचर मैं इसके बाद के स्लाइड्स में शेयर कर दिया हूं जिसे आप पढ़ सकते हो। नीति लोटा में कुनकुना नमकीन पानी। लोटा में मेरी आवाज जा रही है क्या? नीति लोटा में कुनकुना नमकीन पानी भर ले। सावधानी पूर्वक टोटी को बाएं नथुने में डालकर सिर को दाहिनी तरफ झुकाएं, लोटा को ऊपर उठाए रखें, मुंह खुला रखें और मुंह से सांस लें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम लोग नाक में पानी डाल रहे हैं और नाक से ही सांस ले लिए गलती से भी, तो पानी मस्तिष्क में चला जाने की संभावना रहती है और उससे हानि हो सकती है। इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये सब चीज अपने से मत करना, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं। ये मैं तुमको केवल दिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कर रहा हूं, ताकि इन चीजों को समझ लो और जब मौका मिले तो किसी योग टीचर से सीख लो। तो मुंह खुला रखें और मुंह से सांस लें, पानी स्वतः दाहिने नथुने से निकलेगा। कुछ समय पश्चात यही क्रिया दूसरी तरफ से करें। अब दोनों नासिका के अंदर के संपूर्ण पानी को तीव्र श्वसन द्वारा बाहर निकालें और नासिका को शुष्क कर लें। यह भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पानी केवल निकलना जरूरी नहीं है, बल्कि अंदर में पूरा फिर से जितना पानी अटका हुआ रहता है वो सबको निकालना जरूरी है, क्योंकि ट्रैक में अगर पानी रह जाएगा तो सर्दी जुकाम और सरदर्द शुरू हो जाएगा। जल नीति की सावधानी एवं लाभ क्या है, ये लंबा चौड़ा है, इसको अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं लिटरेचर दे देता हूँ, मूल पुस्तक या उसके अंश को पढ़ें, योग योग शिक्षा के निर्देशन में ही करें और सावधानी या गलती से हानि हो सकती है। ये नीति का देखो ये लिटरेचर मैंने दिया है, इसको पढ़ लेना आराम से। लाभ में देखो बहुत सारा लाभ है इसका। यह अभ्यास नासिका की अशुद्धियों एवं जीवाणु पूरित श्लेष्मा का निष्कासन करता है, जुकाम एवं वायु रंध्र दोष के उपचार में मदद करता है, कान आंख तथा गले की अनेक बीमारियों जैसे अनेक प्रकार के बहरेपन, हर्ष दृष्टि दोष, गले की कौड़ी का बढ़ना, श्लेष्मा झिल्ली तथा एडिनोइड की वृद्धि आदि दोषों के निवारण में मदद करता है। मिर्गी अपस्मार, उन्माद, विक्षेप, अत्यधिक सिरदर्द, अनियंत्रित क्रोध आदि विकारों पर अच्छा प्रभाव डालता है। सुस्ती दूर कर ताजगी लाता है, जिससे शरीर तथा मस्तिष्क में हल्कापन आता है। श्वास रंध्र के ऊपर स्थित गंध पिंडों को उत्तेजित करते हुए आज्ञा चक्र के जागरण में सहायक। तो ये सब उसके ढेर सारे लाभ हैं। अब हम लोग उसका वीडियो देखते हैं, छोटा सा वीडियो है। चलो कुंजल क्रिया के बाद नीति क्रिया सीखें, इसे जल नीति भी कहते हैं, क्योंकि इस नीति में हम लोग जल का उपयोग करते हैं।
इस क्रिया करने का उद्देश्य हमारा क्या है कि जो हमारी नाक का एक छेद और ये दूसरा छेद, इसका जो पूरा ट्रैक, इस पूरे ट्रैक की सफाई, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा के कारण बहुत सारे पोल्यूशन भी हमारे वहाँ जम जाते हैं, इस पूरे ट्रैक की सफाई के लिए जल नीति हम लोग करते हैं। जल नीति में ये देखो लोटा जो यूज होता है, इसको नेति लोटा ही नाम इसका है। इसकी बनावट को देखो कि यहाँ एक टोटी लगी निकली हुई है, तांबे का है ये बना हुआ। आजकल प्लास्टिक के भी बने हुए आते हैं मार्केट में, बर्तन की दुकान में तुमको मिल जाएंगे, या तुम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर तुम अपने से खरीदते हो तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो टोटी है इसका ये रुखड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लोग नाक के अंदर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल चिकना होना चाहिए। और मैं क्या करूँगा कि इसमें पानी भर लूँगा, पानी वही नमकीन रहेगा और गर्म रहेगा, उसके कारण की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। उस पानी को इसमें भरने के बाद मैं एक नाक में इसको डालूँगा और अपने पोजीशन को ठीक करूँगा, तो दूसरे छिद्र से वो पानी निकलेगा और अपने साथ साथ वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को भी लेकर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे नॉस्ट्रल से मैं उसको डालूँगा और फिर इससे वो पानी निकलेगा, और उसके बाद जो पानी हमारे ट्रैक में रह जाता है उसको भी निकालना रहता है। उसके लिए थोड़ी देर तक हमको झुक करके खड़ा रहना चाहिए और उसके बाद नाक को ब्लो करना चाहिए, फूंकना चाहिए, तो उससे पानी का अंश पूरा निकल जाएगा। तब तक करना चाहिए जब तक कि पूरा का पानी का निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी अगर हमारे ट्रैक में रहेगा तो हमें सर्दी जुकाम होने की संभावना रहती है। और एक चीज़ और मैं कह देता हूँ कि इन क्रियाओं को बिना किसी योग्य शिक्षक, बिना किसी योग टीचर के सीखे अपने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हानि होने की भी संभावना रहती है। इसलिए ये केवल तुमको दिखाने के लिए ये वीडियो है, प्रेरित करने के लिए है, स्वयं से करने के लिए नहीं है। और जब इसको नाक में लिया जाता है तो मुंह खुला रखा जाता है, मुंह से सांस लिया जाता है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इसको नाक में डाल करके और वो नाक से ही पानी अगर लेंगे तो पानी हमारे मस्तिष्क में भी जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मुँह खुला रखना चाहिए। और अब हम लोग नीति को देखें, yeah.
तरह से नाक में अटके पूरे पानी को निकाल देना चाहिए और ये थी नैतिक क्रिया। कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया और नैतिक क्रिया के बाद हम थोड़ी जानकारी लेंगे शंख प्रक्षालन की। शंख हम सबने देखा है, हमारे लिए ये बहुत पवित्र होता है। और शंख की बनावट को देखो, शंख तो ये है, प्रक्षालन मतलब धोना, शंख को धोना। अब शंख को कैसे धोते हैं उसको देखो। शंख के भी दो परत हैं, एक बाहरी आवरण है और एक अंदर का आवरण है। बाहर को तो पानी से ऐसे हाथ से रगड़ के धो लेंगे, पर अंदर तो हाथ घुसेगा नहीं, तो उसको कैसे करके धोएंगे। तो उसके लिए शंख की बनावट को देखो, ऊपर में एक छिद्र है और नीचे भी एक छिद्र है। मेरी आवाज जा रही है ना? जी सर। हाँ ठीक। तो जब हमको इसको अंदर से धोना होता है तो हम ऊपर में पानी डालते हैं और वो पानी इसमें रोटेट करता रहता है और घूमता हुआ पूरे अंदर के गंदगी को निकाल देता है और ये नीचे से निकल जाता है और शंख अंदर से साफ हो जाता है। हमारे शरीर का शंख से क्या संबंध है? हमारी बनावट भी शंख के समान है, इसलिए इसका नाम दिया गया शंख प्रक्षालन। जैसे शंख धोते हैं, हम अपने शरीर को भी धो सकते हैं अंदर। कैसे होता है वो देखो। ये हमारा मुंह है, यहाँ से हम भोजन पानी सब ग्रहण करते हैं और ये ऐसे विभिन्न ट्रैक्स में जाते हुए ये आंत में जाता है। यहाँ भोजन पचता है इन जगहों में, फिर हमको ऊर्जा मिलती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस तरह से नीचे से निकल जाता है। तो ऊपर भी एक छिद्र है, नीचे भी एक छिद्र है, शंख के समान है। तो जैसे हम शंख को धो सकते हैं, वैसे हम इस ट्रैक को भी धो सकते हैं। जिस आंत से हम मल निष्कासन करते हैं तो हमारा पेट कितना भी साफ रहे पर वो मल 100% निकलता नहीं। इसके अंदर की दीवालों में वो चिपका रहता है जो आसानी से नहीं निकलता है। अगर उसकी सफाई हमको करनी हो तो शंख प्रक्षालन लेना पड़ता है। तुम इस बात की गंभीरता को महसूस करो कि यह जानकारी आज से 5000 वर्ष पहले से लोगों को, भारत के लोगों को मालूम था। कितना डीप साइंस है देखो। और हम कैसे अंदर के ऑर्गेन्स की सफाई कर सकते हैं? मैं बहुत संक्षेप में इसको बताऊंगा क्योंकि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, पूरा लिटरेचर दिया हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। एक बाल्टी में कुनकुना नमकीन पानी भर लीजिए, बाल्टी लिखा हो ना, क्योंकि बहुत पानी लगता है इसमें। फिर 2 ग्लास पानी पीने के बाद 5 प्रकार के आसन करें। इसका पूरा सेट दिया हुआ है कि कौन कौन से 5 आसन करेंगे, पर उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो 2 ग्लास पानी पीने के बाद वो आसन करते हैं, फिर 2 ग्लास पानी पीकर फिर 5 प्रकार के आसन करें और फिर शौच के लिए जाएं। शौच आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर वापस आ जाएं, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। और इस प्रक्रिया को रिपीट करते रहना है, उपरोक्त प्रक्रिया को, पानी पीना, आसन करना एवं शौच के लिए जाना, इसको दोहराते रहें। एक समय आता है जब शौच आएगा, आसानी से मल निकलेगा। पहले कड़ा मल निकलता है, फिर पेस्ट गीला निकलता है और फिर अंत में कतरा कतरा निकलता है। और लगभग 16 से 25 ग्लास पानी पीने तक, कभी कभी ये 30-40 ग्लास तक भी आ जाती है, लगभग 16 से 25 ग्लास पानी पीने तक यह स्थिति आ जाती है कि शौच में साफ पानी ही निकलता है। मतलब जैसा पानी हम पीते हैं एग्जैक्टली वैसा ही पानी निकलता है, क्योंकि आंत की पूरी सफाई हो चुकी रहती है। जो मल आंत के अंदर में चिपका हुआ रहता है वो सब भी निकल जाता है और पूरा आंत साफ हो जाता है। यह एक लंबी और गंभीर प्रक्रिया है और इसे किसी योग शिक्षक के निर्देशन में करें। इसमें बहुत तरह की सावधानी रखनी पड़ती है।
संघ प्रक्षालन के पहले क्या करना है, संघ प्रक्षालन के समय बीच में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे आराम करना है, कैसे खाना खाना है, किस तरह से खाना है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में वो लिटरेचर में दी हुई है, तुम केवल पढ़ लोगे। और ये तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है अपने से। ये देखो वारिसार धोती या संघ प्रक्षालन हठ योग के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण क्रिया है। ये चार पांच पन्नों में मैंने तुमको पूरा लिटरेचर दे दिया है, इसको तुम पढ़ सकते हो। ये इतना ज्यादा फायदेमंद है और उसके बाद तुमको तुरंत इतना अच्छा लगेगा। जब मैंने किया था तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि काफी एनर्जेटिक हो गया हूं। इसका लाभ देखो, अनेक बीमारियों की उत्पत्ति आंत में विषैले पदार्थों के एकत्रित हो जाने से होती है और रक्त को अशुद्ध बना देती है। इसका प्रतिघात समस्त शरीर पर पड़ता है। समस्त पाचन प्रदेश के शुद्धिकरण के परिणाम स्वरूप रक्त भी शुद्ध हो जाता है और स्वास्थ्य में भी असाधारण सुधार दिखाई देता है। पाचन संस्थान से संबंधित अनेक रोगों का निवारण होता है। इन बीमारियों के अंतर्गत मधुमेह जिसको डायबिटीज कहते हैं, उच्च अम्लीय अवस्था हाइपर एसिडिटी, दीर्घकालीन पेचिश, अजीर्ण तथा विषाक्त रक्त से उत्पन्न विकारों का समावेश है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी यह क्रिया लाभप्रद है क्योंकि शरीर के हल्केपन, मन की निर्मलता, प्रसन्नता तथा आनंद की प्राप्ति होती है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए भी हितकर है। इसको साल में दो बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए, हर छह महीने के उपरांत या विशेष परिस्थितियों में कम अवधि में यह क्रिया करनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, उसको तुम पढ़ लेना। और एक बार मैं पुनः तुम सबको कहना चाहता हूं कि किसी योग्य योग शिक्षक के निर्देशन में ही ये क्रिया करें और सीखें। मैं आभार व्यक्त करता हूं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद इस पुस्तक के लिखे हुए स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार योग विद्यालय मुंगेर द्वारा लिखित पुस्तक का, जिसमें सारे मूल अभिलेख मैंने तुमको प्रोवाइड इसी बुक से कराए हैं। जो डिफरेंट फोटो लिए गए हैं, चित्र लिए गए हैं, वो इंटरनेट से लिए गए हैं, जिसमें hindi.yogkala.com, classicyoga.co.in ये सब हैं। मैं इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने कुंजल क्रिया, व्याघ्र क्रिया, जल नीति और संघ प्रक्षालन के बारे में कुछ सीखा होगा। उद्देश्य हमारा सामान्य व्यक्ति का उद्देश्य स्वस्थ रहना होता है और ये सब क्रियाएं हमारे अंदर के टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकाल करके हमें स्वस्थ बनाने में मदद करती है। आज विश्व योग दिवस पर मैं तुम सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको हम सब ने ठीक से देखा होगा, सुना होगा और जब मौका मिलेगा तो हम सीखने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं क्या? हाँ, इसको समाप्त कर रहा हूँ सर। और कुछ बोलना है कि नहीं तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ भाई थोड़ा सा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बोलिए। बिल्कुल, दो मिनट। मैं ना एक प्रकार से, खैर जरूरत तो नहीं है, लेकिन नहीं 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 आज इतना अच्छा आपने ये कुछ सब कुछ बताया हम लोगों को। मैं तो आपके एक अद्भुत लक्षण से, एक अद्भुत विद्वता से आज मैं परिचय हुआ। आप धन्यवाद सर, बढ़िया बताए। मैं जान नहीं रहा था कि आप वैदिक क्रियाओं के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं और करते भी हैं उसको। ये कुंजल प्रक्रिया, व्याघ्र प्रक्रिया, जल नीति, संघ प्रक्षालन, वास्तव में इसके बारे में गंभीरता से कभी मैं देखा नहीं करता था इसको सर। लेकिन आज आपने जिस अच्छे तरीके से इसको समझाया है, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ। आज हम लोगों को आपके अद्भुत प्रतिभा से वास्तव में परिचय हुआ है। आपको हम लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं इस प्रक्रिया में, इस वेबिनार में, हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, और बहुत ही प्रशंसनीय था भाई ये। मैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू। कभी मौका मिलेगा ना सर, जब अपनी बिल्डिंग बन जाएगी ना, तो हम लोग किसी ऑथेंटिक योग टीचर को कॉलेज में इनवाइट करके और एक हफ्ते का शिविर लगा लेंगे, उनको करके पे भी कर देंगे और फिर
कि बच्चे लोग भी सीख लें, हम सब भी सीख लें, क्योंकि मैं स्वयं करता हूं पर सिखाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं ना, क्योंकि ऐसा तो मैं तो हाँ सही सही कह रहे हैं जी, लेकिन आपको ये करते हुए देख करके ना मुझे अति प्रसन्नता हुई भाई, क्योंकि मैं इसको सैद्धांतिक रूप से पढ़ता था सुनता था जी, जी। लेकिन आज आपको करते हुए देख करके ना मुझे अति प्रसन्नता हुई। थैंक यू ठीक है सर। अब आप जी सर अनुमति दें तो अब मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में अनुमति के पहले सरोज सर जी को प्रणाम हो। थैंक यू महाविद्यालय के योगा आचार्य जी को प्रणाम। आज से आप हमारे कॉलेज के थैंक यू टीचर भी बन चुके हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं। और जहां तक मैं बोल रहा हूं कि एक चौधरी सर है जो पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हैं जी जी जी, और हर स्कूल को हर कॉलेज को वो जाकर योग शिक्षा देते हैं, उनकी अच्छा, पतंजलि अच्छा। की दुकान भी है चौधरी जी की जी, तो जी। हम चाहेंगे कि उनको आमंत्रित कर लें एक बार। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छे हैं, उनके मिसेस भी टीचर हैं हायर सेकेंडरी में जी, और जी। कहीं भी आमंत्रित करें वो शहर से चले जाते हैं और मॉर्निंग में ही बच्चों को 1-1.5 घंटा योग करा के वो आ जाते हैं जी जी, बढ़िया। जब पहले पहले योग दिवस प्रारंभ हुआ तो पूरे हमारे ब्लॉक भर के हायर सेकेंडरी में घूम घूम के उन्होंने हाँ। और एक हमारे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट भी रह चुके हैं जी, वो भी बोल रहे थे कि अगर कॉलेज में कभी जरूरत होगा तो एक आध बार हमें बुला लीजिएगा करके। पालूराम पटेल जी, जी, जी अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लंबी सेवाएं दी हैं गुरु जी जी, तो इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे सर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में सच में सर बहुत ही बेहतर लगा सर आपका जो प्रदर्शन किया और दिखाए सर, वो सच में लगा कि बहुत एक्सपर्टाइज आप हासिल कर चुके हैं और मतलब 20-25 भी सीखने का मौका मिले सर जी 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 ठीक है ना कर लेंगे। मतलब ये समझिए कि बात ये है कि जी हाँ जी सर, मैं लगभग 20 साल से कर रहा हूँ, मैंने अभय पांडे सर तो बहुत पहले थे ना यहाँ तो सिखाए थे, तो पर्सनली मेरे लिए ये बहुत फायदेमंद हुआ क्योंकि मैं बचपन से ही कफ से पीड़ित रहा हूँ उस तरह का रहा है। और सर मैं उसकी जिस विश्वविद्यालय का बात कर रहे हैं बिहार भारती विश्वविद्यालय, वो तो मेरे पास के हाँ मैं जानता हूँ विश्वविद्यालय और मैं नहीं सीखी हूँ अभी तक पूरा मैं के ही मेरा वहाँ ही है एकदम खास है खास। और कई बार मैं वहाँ विजिट कर चुकी हूँ सर भारती विश्वविद्यालय बता रहे हैं बहुत ऑथेंटिक जगह है, जस्ट वो गंगा जी के बगल में है सर, गंगा किनारे नाम ही है ना स्वर्णिम है ये सर, एकदम गंगा जी बगल से गई है और उनका आश्रम है, प्रचार कोर्स वगैरह भी वहाँ हो। ये लोग ना अपना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ये लोग बहुत नहीं करते हैं बहुत मतलब। और सर इससे भी बड़ा जो है ना रेखिया में है जो हाँ देवघर में रेखिया जी जी। थैंक यू सर फॉर इनकरेजिंग अस। थैंक यू।